दोष तो बाद बताया होगा, इसके बावजूद भी कहना मैंने जो कलेक्टर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया, मैं वहां पे हूँ। अगर कहना मैंने जो वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनसे मिलना जुलना मेरा कोई दोस्त थोड़ी है सर, वहाँ पे आप में बड़ा इशू। आप एक बात सुनिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए, यूं ऐसा प्रचार न लगाइए। अभी अभी मेरी बात सुनिए, जब वो रिहा हुए तो बिना बुलाए लोगों का प्रेम था, वो लोग इतने इकट्ठे हो गए, आए हम भी थे, तो इसमें उसमें क्यों उसी बात हो गई भाई। अगर ऐसी आयोग का चेयरमैन है तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है कि हम कहना हम लोगों से मिलजुल नहीं सकते। तय करेगा कोर्ट और गवाह को बयान से तय होगा, आप सीधा या इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति से या कोई बात है तो मैं जो लॉ है वो लॉ क्या कहता है। थोड़ी सर यार बड़ी नहीं हुआ तो कौन सी उनको जेल कर दी क्या, जाति के एक आईएन पे हमला होता है और उसको जेल में डाला जाता है, वापस जब वो जमानत बाहर आते हैं तब आप उनके जुलूस में साथ होते हैं, मंच साझा करते हैं, क्या आपकी सरकार ने उनको गलत गिरफ्तार किया था या आप किस तरीके से, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो क्या मैसेज आएगा। सरकार अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करते हैं, पॉलिटिकली अपना काम करते हैं। स्थितियां थी, मैं धन्यवाद देता हूं अशोक गहलोत जी को, जब ये चीजें आई और जब पूरी की पूरी स्थितियां निकल के आई, जब लोगों ने ट्विटर पर एक आगे लगा कि भाई ये कहना मैंने दोषी है, इसने ऐसा किस किया है, वो दोष तो बाद बताया होगा। इसके बावजूद भी कहना मैंने जो कलेक्टर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया, सरेंडर कराया, सरेंडर करने के बाद हमारे न्यायपालिका इतना भरोसा आप इंतजार कर लेते, मनेगा जी आपके इतने नजदीक है तो बाद में ही मोहब्बत जाहिर होती। नहीं तो इसमें ऐसा कौन सी बात हो गई, मेरी बराबर कॉन्स्टिटेंसी का आदमी है, मैं वहाँ पे हूँ। अगर कहना मैंने जो वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनसे मिलना जुलना मेरा कोई दोस्त थोड़ी है सर, वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। राजेंद्र का जेएम के ऊपर हमला हुआ लेकिन आपने उसकी पैरवी नहीं करते हुए विधायक का साथ लिया, ये अपने आप में बड़ा इशू। आप एक बात सुनिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए, यूं ऐसा चार्ज ना लगाइए। जिस पे लगा चार्ज वो विधायक है, विधायक का जो केस आता है सीआईडीसी में जाता है, सीआईडीसी में केस जब जाता है तो उसमें केवल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ही संज्ञा वो बात कर सकते हैं, आयोग इतना बड़ा नहीं है। आयोग अपने आप में जितना बड़ा है वो एमएलए के ऊपर कहना बात नहीं कर सकता। ये बात आज नहीं, ये बात शुरू से भी आई थी, पहले भी लोगों ने कहा था, तो हमने यही कहा भाई इस मामले में आयोग नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें जब मुख्यमंत्री खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को जवाब देना है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां, उन्होंने अस्पताल भी गए देखने के लिए, फिर हम आयोग इसमें कहां शामिल होते हैं भाई। नहीं सर, उनको जमानत मिली उसके बाद आप उनके साथ अगर मौजूद रहते हैं, मैसेज गलत जाता है कि एससी आयोग के अध्यक्ष है और वो अगर एसटी एससी के आदमी के साथ मारपीट हुई है। अभी अभी मेरी बात सुनिए, जब वो रिहा हुए तो बिना बुलाए लोगों का प्रेम था, वो लोग इतने इकट्ठे हो गए, आए हम भी थे, तो इसमें उसमें क्यों उसी बात हो गई भाई। अगर एससी आयोग का चेयरमैन है तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है कि हम कहना हम लोगों से मिलजुल नहीं सकते। सर पीड़ित जिसकी बाईस हड्डियां टूटी वो भी आप एक बात ये तो मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने उनको अरेस्ट कराया, सरेंडर करिए, सरेंडर हुए, कोर्ट में गए, एक कोर्ट ने बेल निरस्त की, दूसरे ने उसकी जमानत दी, इसके बाद में ट्रायल है, इसके बाद कोर्ट है ना। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि कहना वो शामिल था, ये तो तय करेगा, ये तय करेगा कोर्ट और गवाह को बयान से तय होगा। आप सीधा या इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति से या कोई बात है तो मैं जो लॉ है वो लॉ क्या कहता है। आप बिना कहना में जब तक ये जो नीते हो जाए आप ये नहीं कह सकते सर, वो दोषी है। वो जमानत पे नहीं, बाईजत भरी नहीं हुआ तो कौन सी उनको जेल कर दी क्या, उसको जेल थोड़ी हो गई, जमानत पे ठीक है, ट्रायल होगी तो उसके बाद इतना होगा ना। अच्छा सर एक चीज एक और ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको गलत तरीके से फंसाया गया था आपका मलिंगा साहब को, आपका क्या विचार किस चीज को, गिरिराज मलिंगा की ऊपर जो मुकदमा हुआ क्या आपको लगता है कि उनको राजनीतिक कारण से गलत फंसाया गया था। ये मेरी राय नहीं हो सकती और मेरी राय देना उचित नहीं है, हर चीज का लॉ बना हुआ है जी। FIR में उनका नाम आया सर, जब देखा कि बार बार और गलत सरकार की इमेज खराब होती है, यही तय हुआ जो भी होगा हो जाएगा, अगर बरी हैं तो ऑटोमेटिक बरी हो जाएंगे, लेकिन इस बात को खत्म करने के लिए आप सरेंडर करिए। सर आपके साथ ही एक जो है राजेंद्र बुढ़ा, वो बार बार ये कह रहे थे कि अधिकारी चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, आईजी हो, डीजीपी हो, वो लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस करेगा तो राजनीति अभी क्रॉस करेगी, मतलब ये धमकी थी या चेतावनी क्या था, ये बात आप उनसे ही पूछिए। आप सर मंच में आप उनसे पूछिए, मैं उनके कमेंट्स को वो नहीं कर सकता। आपको गलत लगा सर या सही लगा?